तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली होम गार्ड ने नए रिक्रूटमेंट को जारी किया है। इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या मांगे गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज को बात कीजिएगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोज की ओर और जानते हैं इसके बारे में तमाम जानकारी को। और इसके बाद यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड के रिगार्डिंग। यहाँ पे बात करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आपका 24/1/2024 से लेकर आपका 13/2/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आपके और भी बच्चे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसको समझिएगा। यहाँ पे आपके पास सिटीजन्स ऑफ आपके रेसिडेंस, यानी कहने मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कहने मतलब आपको दिल्ली के प्रूफ होना चाहिए, यानी दिल्ली में आपका रेसिडेंस है, घर है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है दूसरे स्टेट वाले कैंडिडेट इसे नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिख दिया गया है कि आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस ऑफ दिल्ली आपके पास होना चाहिए, यानी दिल्ली में रहने का आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। यदि आपके पास दिल्ली में आपका दिल्ली का वैलिड पासपोर्ट है, वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, या फिर इलेक्शन कमीशन है का आपके पास फोटो आईडी कार्ड है वहाँ के, या फिर आपके करेंट और वैलिड राशन कार्ड है आपके वहाँ का, या फिर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है आपके डिपार्टमेंट ऑफ GNCT दिल्ली का, यानी दिल्ली डिपार्टमेंट का, और ड्यूली स्टेटेड कोई पासबुक है पब्लिक सेक्टर बैंक का वहाँ के, या फिर सर्टिफिकेट है किसी भी कंपिटेंट और ऑथराइज गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी दिल्ली के GNCT के डिपार्टमेंट का कोई, आपके वहाँ के डिपार्टमेंट का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिंपल कहने का मतलब आपका जो डोमिसाइल है वो दिल्ली का होना चाहिए और उस डोमिसाइल के चलते आप इनमें से किसी भी तमाम अगर आपके पास कोई भी प्रूफ है तो आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, लेकिन आपके पास दिल्ली का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना बेहद ही कंपलसरी है। ठीक है, ये सबसे मेन इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने का चीज़ है जो कि हमने आपको बता दिया। बात करते हैं एज लिमिट, आपका एज लिमिट 20 से 45 ईयर का होना चाहिए। साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिंपल 12th पास हो जाना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी आपके पास पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप एक सर्विसमैन या फिर एक CAPF पर्सनल है तो 10th पास भी रहेंगे तब भी चलेगा। हाइट आपका मिनिमम 165 और मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर का यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कुछ फिजिकल मेजरमेंट भी रखे गए हैं, जैसे मेल के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो अप टू 30 ईयर्स की एज होंगे उनको 1600 मीटर का रेस होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाइंग टाइम आपका 6 मिनट का रखा गया है। उस प्रकार से जिनका एज अगर 40 से 45 ईयर का होगा उनको भी 1600 मीटर का ही दौड़ना है, लेकिन 8 मिनट तक का उनको समय दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से फीमेल का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। जो एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फी आपको बिल्कुल कम, 100 रुपये का फीस रखा गया है। आप 100 रुपये का फीस देकर आप इस फॉर्म को भर लेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पे कि इसके रिगार्डिंग आपका जो PFT PET निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका क्या होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा। ध्यान से सुनिएगा, PFT ये जो है रेस आपका, इनको निकालने के बाद ही और आपका फिजिकल मेजरमेंट के बाद ही आपका क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और उस रिटेन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए समझते हैं कि रिटेन एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चलिए स्टूडेंट समझिएगा, यहाँ पे आपके फिजिकल मेजरमेंट एंड इफिशेंसी टेस्ट होंगे जो कि हमने आपको कह दिया, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। आप समझिएगा, रिटन एग्जामिनेशन में आपको क्या होंगे, फिजिकल इफिशेंसी और मेजरमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है। रिटन एग्जामिनेशन में आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक के एक मार्क्स होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश और आपके कह सकते हैं पंजाबी, सभी लैंग्वेज में, पंजाबी नहीं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके क्या होंगे, आपके वहाँ पे एग्जामिनेशन का पेपर का लैंग्वेज होगा। ठीक है, आगे समझिएगा, यहाँ पे जो सिलेबस होंगे वो किस प्रकार से होंगे, आपके सिलेबस पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, जनरल साइंस से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से, हिंदी आपके हिस्ट्री से, लगभग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से, ज्योग्राफी एंड जनरल आपके नॉलेज से। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये क्या है, इसका सिलेबस यहाँ पे डिसाइड किया गया है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा यह बात कि आपको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में आपके किस प्रकार से क्या क्या होंगे। आपको यहाँ पे काम क्या होगा, होम गार्ड का काम क्या होता है, सिंपल गार्डिंग करना होता है, वही आपको यहाँ पे काम मिलेगा। बात समझिएगा, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 25,000 आपको वहाँ पे रुपया मिलेगा। ठीक है, ये आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड है, तो ये आपका कह सकते हैं एक प्रकार से सरकारी जॉब ही रहने वाला है। ठीक है, दिल्ली डिपार्टमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में, और यहाँ पे 25,000 रुपये का आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, आपको अलाउंसेस मिलेंगे जो आपको जैसा रूल होगा उसके अनुसार। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानकारी कंप्लीट मिली होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेंगे। अगर कोई भी आपको जानकारी अधिक चाहिए होगी तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट करेंगे और उस कमेंट का जवाब हम बिल्कुल देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।